वालेकुम अस्सलाम। मेरे लिए तुमसे सवाल कर रहे हैं कि पान गुटके खाने की आदत ऐसी हो गई है कि इससे रोजा भी छूट जाता है। गुटके वगैरह खाता हूँ और लोग भी बेशुमार गुटके खाते हैं। अगर दिन भर रोजा रख भी लिया जाता है तो इख्तियार के बाद फौरन गुटके की तलब रखती है। तो मुझे अमीर सुनत से इसके कोई शरे रहनुमाई या इससे गुटके से हमारी जान छूटी है कोई ऐसी शरे रहनुमाई हमारे को जो है ना हमारे सामने पेश कर दीजिए। पान गुटके की दुकान में खड़े होकर सवाल हो रहा है ये अब यही हो रहा था। चूड़ी वाला चूड़ी की दुकान में, खजले वाला खजले की दुकान में, पान गुटके वाला पान गुटके की दुकान में। चैनल कमाल है। तो स्क्रीन पर मेरी क्या कशिश है तो सबको मतलब मजबूर कर देता है। तो पान गुटके जो है ना, ये सवाल पूछा इन्होंने, सवाल किया है, ये भी सवाल पूछा नहीं जाता, यानी कि इसका जो मैं सवाल किया, मैं सवाल के लफ्जी माना पूछना, तो पूछना पूछा नहीं जाएगा। जैसे ना बराए कर्म करके, तो बराए कर्म करके नहीं बल्कि बराए कर्म, इसके माना ये कर्म करके। जैसे बाद में बोला आबे जमजम का पानी, ये भी गलत है। आबे जमजम का पानी ये गलत जुमला है। आबे जमजम के माना ये है कि जमजम का पानी जुमेरात की रात, तो ये तो भूलना पड़ेगा ना। जुमेरात असल एक दिन है, हम शब जुमा भी समझते नहीं है, शब हफ्ता को पहुंच जाते हैं, तो जहां समझाना जरूरी है वहां इजाजत दे दी जाए। शब बरात की रात हाँ ये नहीं चलेगा। तो पान गुटके जो है, ये पान जो है इसके तो फवायद नहीं है, जबकि वो उसकी दुरुस्त मकदार में को इस्तेमाल करे। लेकिन अब तो बिलखसूस पाकिस्तान में अच्छा जो है ना, तो मेरी अपनी तहकीक मालूम ऐसी है कि यहां कत्थे की पैदावार नहीं है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, लिहाजा मिट्टी में चमड़ा रंगने का रंग इसमें डाला जाता है। अब ये जब खाएंगे तो आप जाहिर है कि वो नुकसान ही करेगा। ये मजीद इसमें छालिया जो है ना, एक गुटके में खास करके गला सड़ा और वो काई लग जाती है, सड़ जाता है ना अंदर में काई, ये हर तरह का छालिया इसमें चल जाएगा, तो उस पर कोटिंग हो जाती है ना चूना और जो भी अलग अलग मिलाते हैं, कच्चा तो इसको कहना भी जुर्म है शायद, तो मिट्टी ये मिलाते हैं तो ये सब खाते हैं और इसकी वजह से कैंसर के मरीज आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे, मुंह में रखकर बाद लोग तो सो जाते हैं इसको। नतीजतन क्या वो ये पहले तो छाला करता है, मुंह में छाला पान खाने वाला हो जाएगा और वो छाला ही आगे चलकर कैंसर बनता है। पान खाने वाले के जबान के जो इधर अल्लाह ताला ने जबान के बीच में कुछ जर्रात पैदा किए हैं जिससे वो जायका मालूम किया जाता है, ठीक है ना, जबान पर जर्रात होते हैं पीछे नहीं, टेस्ट यहीं से मालूम होता है ऊपर से। तो ये जर्रात जो है ना, ये पान और गुटके की कसरत की वजह से ये जर्रात मर जाते हैं, झड़ जाते हैं, और तो जबान जो है ना ये वो लीसी हो जाती है बिल्कुल, यानी कि फ्रेश, और आखिरकार जाकर पान खाने वाले को खाने का लुत्फ नहीं रहता, बल्कि अगर पान के असरात में नहीं होंगे ना और आप कुछ खाना खाओगे आपको मजा आएगा भी नहीं, कुलियां करके ही लोग खाते होंगे घर मुंह साफ करके, मगर वो लुत्फ खाने का जो है ना वो उसको नहीं आता होगा जो पान कसरत से खाता होगा, छालिए गुटके कसरत से खाता होगा। तो ये भी इसका नुकसान। फिर ये कह ये चूना पेट में भी जाता है, तो गुर्दे की पत्थरी जो है ना इसका ज्यादातर हिस्सा जो है ना वो चूना होता है, कैल्शियम। तो पान खाने वाले ही को गुर्दे की पथरी होती है ऐसा नहीं है, जिसको पथरी होती है ना उसको कैल्शियम
की मिकदार वो पथरी में काफी होती है, छालिया के जर्रात भी उसमें बालों का होते हैं गुर्दे की पथरी में। तो गुर्दे की पथरी का जो दर्द है ना, ये बस वो जिसको होता है ना उसको पता है कि दर्द कैसा शदीद होता है उसका। अल्लाह ताला से हम आफियत का सवाल करते हैं। तो तिब्बन जो है वो पान और गुटके की कसरत बहुत मुजीर है। और आप बोलो मैं कम खाता हूं, मैं मशवरा दूंगा कम भी मत खाओ, मैं तो रोज का एक खाता हूं। मैं आपको सलाह दूंगा एक भी मत खाओ, एक से आधा नहीं होने का दो हो जाएंगे, दो से तीन हो जाएंगे। इसमें पैसे का जिया, अब अगर आप गुर्बत है पैसे कैसे लाएंगे, फिर झूठ बोलना पड़ेगा बाजू बस सूरतों में और उधर ले लेकर फिर इधर भाग उधर भाग भरने से फिर आ रही फिर लड़ाई फिर झगड़े, पान की आदत पड़ गई तो सब कुछ करना पड़ेगा। इनके खाने वाले मेरा ख्याल है 100-200 के पान खाकर आप थूक थूक देते होंगे। हमने फैजान मदीना में तो पान खोरा पर पाबंदी रखी है, पान गुटका लाना मना है फैजान मदीना में एहतिकाफ में। लेकिन बहरहाल चोर की 14 नजरें बोलते हैं, ये वो चोर नहीं है बल होता है। ये आज भी सुबह मैंने वो मैंने अर्ज किया कि मैंने कुछ हम निगरानी शुरा मिलकर गए थे मेरे निचले हिस्से में कुछ या इसी तरफ आगे पीछे कुछ देखा था। तो मैंने एक जगह निगरानी शुरू की तवज्जो दिला के देखो ये बेचारे ऐसे बदनसीब लोग हैं, इनको ये मसाल भी नहीं पता होता कि किनारे मस्जिद में वो पान की थूक के निशान छालियों की वो फुहार दिखा। मैंने देखो यार पाबंदी है, तो फिर बोला खादे मीन खाते होंगे, खादे मीन को भी नहीं खाना चाहिए पान, ये फेंकते होंगे इसमें। ये साहब बहरा दिन में बुद्धू छाप होते हैं, उनको पता ही नहीं कि अल्लाह के घर में थूका नहीं जाता। अपने घर में कभी थूकते देखा किसी को? अम्मी मारेगी, अम्मी उठा के फेंक देंगे आपको घर में थूकोगे तो। तुम अल्लाह का घर ही मिलता थूकने के लिए, तुम पान की पीक डालते उसको लाल कर देते यार, शर्म नहीं आती तुमको, खुदा का खौफ नहीं आता। ठीक है फिनाइल मस्जिद सही, फिनाइल मस्जिद में थूकना थोड़ी इजाजत है, गंदगी करनी थोड़ी इजाजत है, करते नहीं मानते। अच्छा अब अलमिया ये कि ये बातें वो सुन रहे हैं, इनको इससे कोई वास्ता नहीं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये सुनते होते तभी काम पकड़ते और रोना शुरू कर देते कि हमने अल्लाह के घर की इतनी बेदबियां की है, हम तोड़ा करते। इनको बेचारे इनके नसीब में ये पान खोरों के लिए ये भी एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग आम हिस्सा है भाई आना चाहते होंगे ये नहीं आ पाते होंगे और पान कच्चा करेंगे, ये पान नहीं खा सकेंगे। जैसे भी ज्यादा अगर वो बैठेंगे इनको पान की तलब लगेगी कि दिन को तो खा नहीं सकते, रोजा तो रखते हैं बेचारे बहुत सारे, पान क्या भी होते। तो बहुत सारी इनकी इनसे ये शहादतें जो है ना ये रह जाती होंगी पान खोरों से। कितना बड़ा ये क्या छोटा नुकसान है, क्या पता कब किस इज्तमा में यार आम मकसद की तरकीब बन जा रही रह जाए। तो अपने को वो चीज नहीं चाहिए कि जो याद इलाही से हमको रोके। मैंने पान खाए क्या, मैंने इक्का दुक्का पान कभी खाए तो मैंने देखा कि मेरे पान के तोहफे आने शुरू हुए। अच्छा पान का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो मैंने पाया उस वक्त मैंने कोई मुताला वगैरह खास नहीं किया था पान के ताल्लुक से, तो मुझे मैंने यार ये पान मुंह में मैं दुरुच्छी तो पढ़ नहीं सकता, उनको काम नहीं है पान मुंह में, तो अपने को बेकार वक्त जाया करना ये समझ में आना नहीं चाहिए। ये मुंह में पान है अब मैं दुरुच्छी कैसे पढ़ूंगा, तो मैंने ये कि ये जबान को लॉक कर देता फिर पढ़ना वो बात नहीं रहती। तो फिर मैंने पान को बिल्कुल तारीफ कर दिया, मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी पान का आदि नहीं बना हूं। इक्का दुक्का शौकिया खा लिया, किसी ने दे दिया तो खा लिया, मुझसे आदि नहीं। सिगरेट मुझे पीना ही नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह, पीना आती तो पस जाता मैं, आती नहीं पीना। ये ऐसा बाबा आदत है पान की जो जो मन में रखते ना पत्ती वाले, जैसे कि अगर आप हम किसी को फोन करें ना तो उसके मुंह में पान है, उसे फोन तो उठा लिया मोबाइल पर है किसी उसको हम फोन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू,
अब उसे वो भाई पान तुको सलाम का जवाब तो दो यार, अभी पान तुक के ही फोन उठाले तो ये उसी में बेचारे ये रह जाते। ऐसा इनको हालांकि मुझे संभव है बाबा का, खाली हमारे मुल्क में अगर हम देखे ना तो हिंद में भी पान खाया जाता है, यूं कई ममालिक में पान आया तो इंडियन आइटम है। जी हाँ, ये सारे देखो मेन इंडियन कौन, गुजरात सुना गुजरात, जी हाँ उर्दू तो सारे यूपी की तरफ के, राजस्थान यूपी इन सूबों के ये उर्दू स्पीकिंग है। तो ये लोग गुजराती, ये गुजरात सुबह गुजरात है ना, ये मेनमान गुजरात, ये लोग पान बहुत खाते हैं। ये अगर सारे पाकिस्तान में ये लोग बहुत कसरत है। अगर इनकी कैलकुलेशन करो बाबा, मुझे एक अपना अंदाजा है, जो पान गुटखा सिगरेट ये तीन चीजों की अगर कैलकुलेशन करें, शायद कह सकते हैं कि दुनिया भर के मुसलमान महाना करोड़ों अरबों रुपए के पान गुटखे सिगरेट में खर्च करते होंगे। इससे कितना बड़ा मतलब कि ये एक लॉस है कि अगर इतना ही रुपया पेपर का उनको जरूरत ही नहीं है जाती तौर पर, तो उसको अल्लाह की राह में भी खर्च कर देते या गरीबों की मदद कर देते, तो ये पान गुटखा और सिगरेट फोड़ने से कितने गरीबों का भला हो जाएगा। बेशक बेशक, हाँ सैकड़ों रुपए की सिगरेट फूंक के फेंक देते होंगे, क्या करें यार। अब तो लगता है सिगरेट भी शायद महंगी हो गई होगी यार, इसके पीछे लिखा भी होता है कि इससे कैंसर हो सकता है, फिर भी सिगरेट नहीं छोड़ता है। तो गुटके वाले तो आप भी जगह बरमा रहे हैं, तावीजा वालों को पता है कितने गुटके वालों के मुंह के कैंसर हो गए, फिर भी इनसे ये चीजें छुटती नहीं है। मतलब तो मदीना में रिसाला भी शायद किया, पान गुटके के नुकसान, पान गुटका छोटा सा रिसाला, यही पढ़ लो तो इंशाल्लाह मकतब पर उम्मीद मिल जाएगा। इसको बांटो यार, पान की दुकान वालों को पहुंचा यार, मजा आता है। पान वाला अपनी दुकान में ये रिसाला रखे ना, क्या बात है क्या बात है। जब पान की दुकान में गड़े तो सवाल हो सकता है, तो पान की दुकान में रिसाला भी हो तो सकता है। आप ये बोलो कि हम आपको स्क्रीन पे ले आएंगे तो ये रखेंगे, शायद रखने वाले मिल जाएंगे, फिर कि हम आपके पान की दुकान का वो पूरा वो देंगे आपके स्क्रीन पर के देखो यहाँ तकसीम हो रहे हो तो बांट देंगे वो, जब तक आप वो मूवी चलाते रहोगे। एक सवाल है बाबा जी, एक मिनट इसी मौजूद से मजा लब्बैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहम्मद मौला तारिक गुजरा मला शहर से बोल रहा हूँ। अनुमति के बारे में मेरे जवाब की मुझे सिगरेट छोड़ने का नुकसान बता दें कि सिगरेट छोड़ते नहीं है, और इसके वबाल बता दें कि को पीने के क्या नुकसान आते हैं और इसको छोड़ने का फीका परेशान बता देंगे। बहुत मेहरबानी जजाकल्लाह खैरा वक्त समय दिया। तो ये अर्ज करता चलो कि अभी सक्कर से कम छह इस्लामी भाइयों के हवाले से पैगाम आ गया है कि अभी तक जो आपका ये मदनी फूल ली है तो छह इस्लामी भाइयों ने ये पान वगैरह छोड़ने की नियत कर ली है। सुभान अल्लाह, दिन मांगे मिला। हाँ तो ये अब इतना मिलेगा कि मोबाइल में हमारे समाया नहीं मोबाइल का जिसने बयान किया ना, ये वो जो आपने जो मोबाइल फोन का डेलिंग चलाइए ना, इस ये मोबाइल फोन छोड़ने और उसके मुताबिक इतने एसएमएस आ गए कि मोबाइल हमारा हैंग हो गया है। अब घर ने पावरफुल रिप्लाई नहीं दिया मोबाइल के ताल्लुक से ना, इमामे के ताल्लुक से वो पावरफुल रिप्लाई मिली मुझे, ये सीखना रहेगा इनसे। खैर कोई बात नहीं, अपने बच्चे हैं। तो बहरहाल ये कि पान गुटखा ये मुजर सेहत है, ये रिसाला खरीदे मकतबतुल मदीना पे होगा नहीं होगा तो ये इनको बोलोगे तो ये इंशाल्लाह ले आएंगे। ये पान छोटा इसके पॉकेट साइज में होते हैं, चार रुपये का ना पॉकेट साइज, ये बांटो यार खुद बांटो। फिर ये के दोस्तों को इस बता रोजा भी है, वो पान की दुकान पे खड़े होता है कह रहे ना कि रोजा भी नहीं रखने देता पान, तो सर चढ़ता होगा और दिमाग खराब होता होगा, तो गुस्सा बताता होगा इनको, शैतान वसवसे भी डालता है ना। तो पान पान गुटके खाने की चीज नहीं है इतनी, ये कोई अच्छी चीजा नहीं है, और खुसूसन पाकिस्तान का मैंने कहा ना कट्ठा ही कट्ठा नहीं होता। ये जो मेरी है देखो, मैंने मुझे एक आलिम साहब ने सबसे पहले बताया था कि मेरा बस चले तो उसको मैं फतवा दे दूंगा ये नाजायज है हराम है, लेकिन बोला तो उन्होंने बताया कि ये ऐसा है। फिर मैंने किसी से तस्करा किया तो उस
वो डॉक्टर थे, तो डॉक्टर ने बोला कि हमारे अजीज भी काम करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हम लोग मिट्टी और ये रंग इसमें चमड़े रंगने का रंग डालते हैं, आप सही कह रहे हैं। तो मेरे को बहुत जगह से ये मालूम होता है कि ये कच्चा जो है पाकिस्तान की पैदावार नहीं है, पाकिस्तान में कच्चे की, तो ये नकली है और खौफनाक चीज है ये मिट्टी और चमड़े रंगने का रंग। असल कच्चा ये हिंद में पैदा होता है, ठीक है, लेकिन जमीन से तो सब्जी भी निकलती है, अनाज भी निकलता है, हम पलते हैं उस पर, तो जमीन से निकलता है, इसलिए वो तो मिट्टी, तो बंदा भी मिट्टी का है। तो ये कच्चा जो है जैसे चूना भी तो मिट्टी ही की, मतलब जिंस है, चूना तो ही मिट्टी, जिंस है, उसे तयमम भी कर सकते हैं उस पर, तो चूना चूना है, मिट्टी है, आम मिट्टी जो वो मिट्टी है, तो ये मिट्टी में चमड़े रंगने का रंग डालकर उसको कच्चा नुना बनाकर चलाते हैं, कच्चा नहीं है ये। पान बेचने वाले को शायद पता नहीं होगा सबको, मेरी तहकीक गलत भी हो सकती है, लेकिन ये मेरी तहकीक जो मेरी जो तहकीक की दो सूरत भी उन्होंने अर्ज कर दी। हम अगर हम ये बात जो बता कत्था वाला जो आप जो अपनी तहकीक बयान कर रहे हैं, ये शायद हम कई सालों से मदनी मुजाकरे में बयान करते आ रहे हैं, आज तक कभी को पान वाला या किसी ने आकर इस तहकीक की तरदीद नहीं की है जी हाँ, कि ये गलत है या ये है वो है, अभी तक कोई एक भी नहीं टकरा, आज तक नहीं आया, कई मरतबा ये मौजूद बयान हुआ, बल्कि लिख कर दिया बाबा जी हाँ जी, रिसाले ने फिदा ने सुन्नत में भी अच्छा लिखा हुआ, आज तक किसी ने अगर तरदीद नहीं की है, दुनिया में कभी किसी ने इस बात की तरदीद नहीं की है। सुभान अल्लाह, पान के बाहर, मैंने पान के बाहर, तो चलो ये बाहर भी सुन लो यार, पान के बाहर, पान की शान, बहुत पुरानी बात है कि आप नाजिर कैंप में बयान के लिए हाजिर हुए थे, मैं भी साथ था, वापसी पर एक पान वाले ने आपको पान खाने के लिए इसरार किया, तो आपने चार जुमेरात इज्तिमा में शिरकत के लिए अर्ज किया, मैं सुना वो तब्दील कर रहा हूं उसको, इस पर वो राजी हो गया और बाद में मैंने उसे देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह से मदनी रंग चढ़ गया, तो पान खाए तो आप भी ऐसा खाए। अल्लाह तआला अअलम व रसूल अअलम अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على صدا گیت کا سارن ہوں میں نبی کے توفیق ایسی عطا یا الہی صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد। अभी जो सिलसिला आपने मुलाहदा फरमाया उसके बारे में अपने तासुरात और मदनी मशवरे 03012612176 पर SMS या feedback@madanichannel.tv पर मेल कर सकते हैं।